दोस्तों ईपीएफ पेंशनर्स को लेकर दो जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। पहली अपडेट निकल कर आ रही है, ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन ने सांसदों से अपनी मांगे उठाने का किया आग्रह। आरोप लगाया है कि मोदी अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन ने सांसदों से उनकी मांगों को सदन में उठाने का आग्रह किया है और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। फेडरेशन ने सांसदों के नाम खुले पत्र में कहा, हम ईपीएफ पेंशन भोगी आप सभी सांसदों का आभार प्रकट करते हैं कि आपने प्रत्येक सत्र में संसद के दोनों सदनों में सरकार के समक्ष हमारी समस्या को उठाया, लेकिन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पत्र में कहा गया, हम आपसे आशा करते हैं कि आप सभी मौजूदा सत्र में भी हमारी आवाज को मजबूती से उठाकर हमारी मांगों को पूरा कराएंगे। फेडरेशन की मांगों में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए मासिक और महंगाई भत्ता दिया जाए। वर्ष 2013 से सरकार के पास लंबित भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिना देरी किए लागू किया जाए। फेडरेशन ने मांग की है कि चूंकि ईपीएस 95 एक्ट के पैरा 32 के तहत वार्षिक मूल्यांकन के प्रावधान को वर्ष 2000 से बंद कर दिया गया, अतः अब वर्ष 2000 से अब तक किए गए वार्षिक मूल्यांकन का लाभ बकाया समेत उन्हें दिया जाए। सभी ईपीएस 95 के पेंशनरों को चिकित्सा एवं जीवन बीमा का लाभ दिया जाए। न्यूनतम पेंशन पर रिड्यूस्ड पेंशन स्कीम लागू न की जाए। फेडरेशन ने सांसदों से आग्रह करते हुए कहा, आप हमारी मांगों को सदन में जोरदार ढंग से उठाकर सरकार को घेरें, जिससे ईपीएफओ में कर्मचारियों के बगैर दावे के पड़े 55,000 करोड़ रुपए को पेंशन फंड में स्थानांतरित कर बुजुर्ग पेंशनरों को गुजारा करने लायक पेंशन दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। दोस्तों बहुत बड़ी मांग की गई है सांसदों से साफ कहा गया कि एक बार फिर से हमारी मांगों को संसद में उठाया जाए, जिससे कि मोदी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और मोदी सरकार हमारे ऊपर कोई अच्छा फैसला ले सके। अगली अपडेट निकल कर आ रही है, राजस्थान के उदयपुर से 19,000 पेंशनर ने अब तक नहीं बताया वे जीवित हैं, केवल 16,000 बोले हम जिंदा हैं। सरकार के निर्देशों के तहत वर्ष के अंत में पेंशनरों को जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन उदयपुर संभाग में नवम्बर बीतने के बाद भी आधे पेंशनर ने अब तक नहीं बताया कि वे जिंदा हैं। ईपीएफओ विभाग के अनुसार नवम्बर में ही सभी पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट बैंक या ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाना होता है, साथ ही ई मित्र से भी यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन सबमिट कराने का विकल्प दे रखा है, फिर भी पेंशनर ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। बैंकों में सीएससी की ओर से कैंप भी लगाए गए, लेकिन पेंशनर ने जीवित होने का प्रमाण पत्र देने की जहमत नहीं उठाई। संभाग के उदयपुर, राजसमंद, ढूंगारपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में भविष्य निधि कार्यालय के अनुसार 35,000 पेंशनर, इनमें से 3 दिसंबर तक 16,000 पेंशनर ने ही जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करवाया है, जबकि अब भी आधे पेंशनर की जानकारी बाकी है। धनवंत सिंह, आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय उदयपुर का कहना है कि सीएससी से अनुबंध के चलते कैंप लगाए गए, लेकिन फिर भी अभी आधे पेंशनर के ही जीवित प्रमाण पत्र सबमिट हुए हैं। दिसंबर का माह महत्वपूर्ण है, इसके बाद 15 जनवरी तक का समय देंगे। कई प्रकरण ऐसे भी है जिनका सर्टिफिकेट नहीं आने से पेंशन जारी नहीं हो पाई और एरियर अटका हुआ है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप एक ईपीएफ पेंशनर हैं तो जल्दी से जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराइए, जिससे कि आपकी पेंशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएस पेंशनर हैं, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।